दूसरी लहर के रूप में कोरोना पहले से अधिक प्रचंड हो गया है। स्थिति यह है कि शहरों के साथ साथ गांवों में भी इसने कहर बरपाया है। ऐसे में खेती किसानी, पशुपालन आदि कार्यों में संलग्न हमारे भाइयों बहनों को कोरोना से बचने का विशेष ध्यान रखना होगा। खेत खलिहान में काम करते समय नाक एवं मुंह को ढक कर रखें। बाहर जाते समय मास्क लगाना कभी न भूलें। महामारी के इस दौर में पशुशाला की विशेष सफाई होनी चाहिए। सफाई के लिए फिनाइल आदि का उपयोग कर सकते हैं। मवेशियों को चारा देने से पहले अपने हाथों को ठीक से धोएं। पशुशाला के अंदर यहाँ वहाँ खैनी, गुटखा आदि खाकर ना थूकें। फसल की कटाई के समय आपस में कम से कम 3 मीटर की दूरी बनाकर रखें। अगर एक ही कृषि औजार कई लोग उपयोग कर रहे हैं तो हर व्यक्ति उसे उपयोग के पहले और बाद में अच्छे से साफ करें। किसी मजदूर या साथ काम करने वाले आदमी को सर्दी, जुखाम, सरदर्द या बुखार आदि की शिकायत हो तो उन्हें कोरोना जांच करवाने को कहें। किसी भी आयोजन, सभा, जलसे या पार्टी में इस समय जाना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए बहुत जरूरी ना होने पर वहां ना जाएं। कोरोना का संक्रमण बच्चों, बूढ़ों, कमजोर एवं बीमार लोगों पर तेजी से असर करता है। अपने परिवार में इन लोगों का विशेष ध्यान रखें। अफवाहों पर ना ध्यान दें एवं किसी भी तरह की जानकारी, सहायता एवं मदद के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करें। अगर आपको या आपके परिवार में किसी को कोरोना हो गया है तो घबराएं नहीं। कोरोना से लगभग सभी लोग ठीक हो जाते हैं। हम इस संक्रमण से लड़कर उस पर विजय पा सकते हैं। हमें सही समय पर डॉक्टर के परामर्श से इस बीमारी का उपचार जल्द से जल्द प्रारंभ करना चाहिए। हमें सकारात्मक सोच के साथ डॉक्टरों के सभी दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। इस प्रकार इस बीमारी से हम मुक्ति पा सकते हैं। इस प्रक्रिया में सभी सावधानियों के साथ साथ मरीज से शारीरिक दूरी का पालन करते हुए सतर्कता बरतें। सकारात्मकता, संयम व सही उपचार के साथ इस बीमारी से लड़ाई जीती जा सकती है। अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका अवश्य लगवाएं। कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए टीके की दोनों खुराक समय पर लें। दोनों खुराक लेने के बाद ही शरीर में कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो पाती है। ध्यान रहे कि टीकाकरण के पश्चात भी मास्क पहनना, बाहर से आने के बाद हाथ धोना और शारीरिक दूरी का पालन करना आवश्यक है। याद रहे कि अभी तक कोरोना की कोई दवाई नहीं बनी है। अंततः सामाजिक दूरी व टीकाकरण ही कोरोना महामारी के विरुद्ध हमारे मुख्य शस्त्र हैं। ध्यान रहे, सफाई भी, दवाई भी और कड़ाई भी।